दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्नैपचैट पे अपनी पुरानी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्नैपचैट पे अपना कोई पुरानी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं तो किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब क्लिक करना। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ से चलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे कैसे हम अपने स्नैपचैट की पुरानी आईडी को ओपन कर सकते हैं तो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे साइड देख सकते हैं दो ऑप्शन दिख रहा मिलेगा, एक लॉगिन का एक साइनिंग अप का। तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे आईडी यहाँ पे गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना चाहते तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या अपना ईमेल डालना चाहते तो आप ईमेल को भी डाल सकते हैं। तो इस आईडी को मैं यहाँ से चेक करता हूँ, वो आपको दूसरा आईडी यहाँ पे हम डालता हूँ। तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे नीचे साइड देख सकते हैं यूज फ़ोन नंबर इन स्टेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर इसमें ऐड हो चुका है और यहाँ पे एक आपको पासवर्ड को इंटर करना है। तो अगर आप आपको यहाँ पे नीचे साइड देख सकते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड, तो आप इस नंबर से अगर कोई आईडी बनाए हुए पहले से तो आपको यहाँ पर फॉरगेट मतलब कि यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करना रहता है, जो आप इस आईडी को मतलब इस नंबर से बनाए होंगे आईडी को। तो पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पे नीचे साइड देख सकते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोड आएगा, तो कोड आप किस पे मंगाना चाहते हैं, तो आपने इसमें अपना फ़ोन नंबर को ऐड किया था तो आपको फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ईमेल वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है। तो आपको फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा और नीचे एक साइड देख रहे कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कोड आएगा और कोड को हमें यहाँ पे ऐड करना है। आप देख सकते हैं कोड आने के बाद यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑटोमेटिक और यहाँ पर ऑटोमेटिक सबमिट हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की साइड यहाँ देख सकते हैं सेट योर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर हम यहाँ पर नया पासवर्ड को इंटर करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब कि आप स्नैपचैट का पुराना आईडी को इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया आपको पासवर्ड इंटर कर देना है और यहाँ पे दो बार पासवर्ड मतलब कि यहाँ पे एक पासवर्ड इंटर कर देना नया, उसके बाद वही पासवर्ड इसमें भी कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट जैसे कर देंगे तो आपका आईडी जो पुराना आईडी है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्नैपचैट के पुरानी आईडी को ओपन कर सकते हैं। फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।